हेलो दोस्तों, क्या आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं? तो दोस्तों, जो शॉर्ट वीडियो है उस पर थंबनेल लगाने का इससे बेस्ट तरीका आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक काम करना है आपको वाइटी स्टूडियो एप्स में, उसके अंदर आपको काम करना है वीडियो अपलोड करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर एडिट वाला सेक्शन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पर वीडियो एडिट का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर थंबनेल वाला एडिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और ये आ गया। ठीक है, जो वीडियो में जो शॉर्ट फीड है उसमें आपके वीडियो का थंबनेल शो नहीं करता है। ठीक है, कहीं से भी वीडियो के अंदर से ले लेगा शॉर्ट फीड के अंदर में। ठीक है, तो आपका एक काम कैसे करेगा, आपको लगाना कैसे है ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके वीडियो में मैं एडिट किया हूँ तो यहाँ पर एक स्टिकर लगाया हूँ, तो स्टिकर शो कर रहा है ऊपर थंबनेल में। ठीक है, और इसको फिर थंबनेल चेंज करते हैं तो स्टिकर शो नहीं कर रहा। तो इस जो वाइट शॉर्ट है उसमें कुछ अलग तरीके से शो करता है थंबनेल। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप वीडियो एडिटिंग में ही कुछ कर दीजिए जिससे कि शॉर्ट फीड में वीडियो जाए तो वहाँ पर स्टिकर या कुछ लिखा हुआ आप एडिट कर लीजिए उसमें वीडियो में और वही शो करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला इस थंबनेल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको कस्टम थंबनेल लगाना हो तो इसको कस्टम पर क्लिक करेंगे। पिक्सल लैब से अगर आप बनाते हैं थंबनेल तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर थंबनेल आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप थंबनेल लगा सकते हैं अपने वीडियो पर। क्योंकि मैं बता दूं कि वाइटी शॉर्ट में जो होता है वहाँ पे आपके वीडियो के अंदर से किसी भी पार्ट का कट करके शो करेगा वाइटी शॉर्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो वीडियो के अंदर का है पार्ट उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप कस्टम थंबनेल को चेंज कर लीजिए, लगा लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप थंबनेल लगा सकते हैं। फिर उसके बाद सेलेक्ट करके फिर उसके बाद